तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। और भ्रष्टाचार आज एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर, जो कट्टर ईमानदार पार्टी। अभी आप लोगों ने सुना होगा पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मिनिस्टर, उसकी रिकॉर्डिंग निकल के आई कि वो किसी से पैसे मांग रहा था। भगवंत मान ने आप देखा ना ताव, उसने उसको सीधे जेल भेज दिया, हमारे अपने मिनिस्टर को। ये कभी अपने वालों पे कोई एक्शन नहीं लेते, दूसरे वालों पे सीबीआई ईडी कराते हैं। हमने पहले अपने वाले को भेजा कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है। आपको चाहे लाइसेंस बनवाना है, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको पेंशन लगवानी है, कोई भी काम कराना है, आपको कोई किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के काम होता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बहुत पैसा बचेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के अंदर, 5 साल दे दो, इन 5 साल में, पहले दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। आज पिछले साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पे अब एक भी पैसे का कर्जा नहीं है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है, पॉजिटिव बजट आ रहा है। ये फायदा है पढ़ा लिखा आईआईटी के इंजीनियर को सीएम बनाने का। समझ आती है मुझे, फाइनेंस भी समझ आती है, इंजीनियरिंग भी समझ आती है। तो भ्रष्टाचार आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद रहे। 27 साल आपने इनको दिए, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन 27 साल बहुत होते हैं। इन्होंने जो अब करना था वो कर दिया, अब अगले 5 साल में तो वो वही रिपीट होगा जो ये कर रहे हैं। कोई कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले। एक मौका हमें भी दे दो, एक मौका देके देख लो, बदलाव तो होना ही चाहिए ना, चेंज तो होना ही चाहिए। अगर 5 साल में जो जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं करूंगा, मुझे लात मार के भगा देना, गुजरात में घुसने मत देना अगली बार। एक मौका दे दो। पिछली बार दिल्ली के चुनाव में मैंने कहा था, 2020 में अभी जो चुनाव हुआ, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था, मैंने कहा 5 साल में अगर मैंने काम ना किया हो आपके लिए, मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, कहते एक मौका और दो। इनके मौके पूरे ही नहीं होते, जिंदगी बीत जाती है, हर 5 साल के बाद आके कहते हैं एक और दे दो, बस एक और दे दो। हम कहते हैं पिछले 5 साल में अगर काम नहीं किया तो हमें। आज मैं आपके सामने बड़ा स्टेटमेंट देके जा रहा हूं, आपके दिल्ली में दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मैं चैलेंज करता हूं, आप उसको फोन करके पूछ लेना क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अगर वो कहे नहीं कर रहा, मुझे वोट मत देना गुजरात। दिल्ली की जनता खुश है हमसे, दिल्ली की जनता प्यार करती है हमसे। एक टाइम ऐसा था जब वकील जो हैं दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो भाजपा के लॉयल थे। आज दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो केजरीवाल के साथ हैं, वो हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं। हैं जी, आप भी प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया बहुत कुछ दिखा नहीं पा रहा, उनकी मजबूरी है। उनको कहा गया है कि केजरीवाल का कुछ नहीं दिखाना, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं दिखाना, राहुल गांधी आए तो दिखाना है। कुछ जुगलबंदी चल रही है दोनों में। मैं बोल के गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, हम ये करेंगे, छठे पेज पे इतना सा छपा। उसके बाद राहुल गांधी जी आए और वो बोल के गए फ्रंट पेज पे गुजरात के सारे अखबारों के अंदर छपा, जबकि आज की डेट में 3rd नंबर पे कांग्रेस हो चुकी है, हम 2nd पे तो आ चुके हैं। अभी आज की डेट में जो सर्वे आ रहे हैं, हम ऑलरेडी 2nd पे आ चुके हैं, 2 महीने हैं चुनाव के, 1st पे आएंगे और बम्पर आएंगे 1st के ऊपर। दिल्ली वालों ने पहले रिकॉर्ड बनाया था, 70 में से 67 सीट दी थी, फिर पंजाब ने रिकॉर्ड बनाया, 117 में से 92 सीट्स दी थी, अब गुजरात दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। भारत माता की।